उत्तर प्रदेश विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के तत्वाधान में हाडिल कॉलोनी फतेहपुर में विद्युत कर्मियों का धरना प्रदर्शन आज पांचवें दिन भी जारी। अध्यक्ष बोधराज व संयोजक राकेश कुमार पाल की अगुवाई में पांचवें दिन भी जारी रहा धरना। वेतन विसंगतियों, पेंशन आदि समस्याओं को लेकर बिजली विभाग के आला अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा दिया जा रहा है धरना। अद्भुत राज ने कहा कि धरना प्रदर्शन के पश्चात मशाल जुलूस निकालकर संगठन ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर ऊर्जा निगम को विद्युत कर्मियों की समस्याओं से अवगत करा दिया है, परंतु निगम के लचर रवैये व नकारात्मक कारण के चलते अभी तक विद्युत कर्मियों को कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है, जिसके कारण संगठन धरना प्रदर्शन करने को बाध्य है। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली में सभी वर्तमान एवं सेवा निर्मित विद्युत कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा ऊर्जा निगम के अधिकारियों के लिए पावर सेक्टर एम्प्लॉयज रोशन एक्ट लागू करना, सभी कर्मियों को उपभोक्ताओं को पूर्ण तरह से लागू किया जाना चाहिए, सभी विद्युत कर्मियों एवं सुविधाओं कर्मियों को कई वर्षों से बकाया करियर का भुगतान करने व मैच कैरियर का भुगतान करने व कर्मियों को अभिवंताओं की वेतन से दूर किए जाने की मांगों को लेकर संगठन लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा है। जब तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक धरना जारी रहेगा। इस मौके पर तमाम विद्युत कर्मी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। किन बातों को लेकर आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? हम लोगों का ये 15 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया गया था, उस पर जो है कोई भी सकारात्मक जो है रिजल्ट न आने के कारण हम लोग 5 दिन से जो है कार्य बहिष्कार पे हैं। क्या मांगे थे आप लोग? उसमें प्रमुख मांगे ये थी कि प्रबंधन की जो स्वेच्छाचारी नीति है, बिना संसाधन दिए जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा टारगेट दे दिया है लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, रेवेन्यू के लिए, डिस्कनेक्शन के लिए, मेंटेनेंस के लिए, उसका जो है विरोध चल रहा है। दूसरी मांग है कि जो है जो निविदा कर्मचारी हैं उनको नियमित किया जाए। तीसरा है वेतन विसंगति का मामला, जैसे कि हम लोगों को 9 साल 14 और 21 साल पे जो है समयबद्ध वेतन मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की भी मांग है, और हम लोगों को जो है कैशलेस इलाज की सुविधा प्रदान की जाए, ये भी मांग है। अगर मांगे नहीं पूरी होती तो आप लोग क्या करें? मांगे यदि नहीं मानी जाती हैं तो हमारे केंद्र की कार्यकारिणी जो निर्णय लेगी इसका हम लोग पालन करेंगे और आंदोलन को निरंतर बढ़ाए रहेंगे। मैं संयुक्त संघर्ष समिति का एक सदस्य हूँ जी। किन मांगों को लेकर आपका धरना प्रदर्शन चल रहा है? देखिए, हम लोग का ये 15 सूत्री मांगे हैं, जिसमें प्रमुख मांगे हम लोग की कैशलेस चिकित्सा का लाभ, पुरानी पेंशन को बहाल करना, अपने निविदा कर्मचारियों को रेगुलर करना, इस तरह से हमारी 15 सूत्री मांगे हैं। उच्च अधिकारियों की तरफ से अभी तक कुछ आश्वासन मिला? उच्च अधिकारियों की तरफ से अभी हम लोग को कोई आश्वासन नहीं मिला है, लेकिन केंद्र में आज ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक चल रही है, हो सकता है कि अभी सकारात्मक कुछ निर्णय निकले। अभी 1-2 घंटे में आपको जानकारी सूचना मिलेगी। निर्णय आप लोग के पक्ष में नहीं आता तो क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? अगर निर्णय पक्ष में नहीं आता है तो केंद्र का जैसा दिशा निर्देश होगा उस तरह से हम लोग निरंतर कार्यक्रम में चलता रहेगा। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार सिंह, संयोजक संघर्ष समिति फतेहपुर।